हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजेश्वरी निले, आई एम फ्रॉम भगवेद एकेडमी। फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट द टेंस। टेंस मतलब समझता है आप लोगों को, टेंस मतलब काल, ऐसा इसको कहा जाता है। इट इज़ फॉर ओनली सेवेंथ क्लास। एक्चुअल में देखा जाए तो टेंस सभी स्टैंडर्ड को है, मतलब इम्पॉर्टेंट ही है ग्रामर में, बट ये जो यहाँ पर मैंने आज लिया है वो सेवेंथ स्टैंडर्ड CBSE ग्रामर के बुक में से आपके सामने मैं पढ़ा रही हूँ। ओके, क्लियर एवरीवन? सो बी केयरफुल। तो देखते हैं व्हाट इज मीन बाय टेंस। टेंस इज अ यूज इन अ रिस्पेक्ट ऑफ वर्ब टू इंडिकेट द लिमिट टू विच द वर्ब कैन बी स्ट्रेच टू डिस्क्राइब द एक्शन इट स्टेट इन अ व्यू ऑफ गिवन एस्पेक्ट। देखो, टेंस का उपयोग यूज कब किया जाता है, जब वर्ब कुछ तो भी वहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, वर्ब को कुछ तो भी वहाँ पर एक्शन करने के लिए कहा गया है। वर्ब मीन्स क्या होता है? एक्शन वर्ड। ओके, तो ये तीन टाइप में वो क्या करता है, एक्शंस वहाँ पर करता है। कौन से तीन टाइप में एक्शन करता है? तो फर्स्ट इज एट व्हाट टाइम वॉज अ एक्शन टेकन, मतलब जो एक्शन हो रही है वो कौन से टाइम पर हो रही है। हाउ लॉन्ग डिड द एक्शन कंटिन्यू, यह एक्शन कितने समय तक कंटिन्यू रहने वाली है, मतलब कंटिन्यूअंस। एंड वेदर द एक्शन वॉज अ कम्प्लीटेड और नॉट, और ये एक्शन कम्प्लीट हुई है कि नहीं हुई है, उसके ऊपर टेंस डिपेंड रहता है। सो दीज थ्री आस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीन आस्पेक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान में आ गए कौन से आस्पेक्ट है वो? टाइम, कंटिन्यूअंस एंड कंप्लीटनेस। द टेंस ऑफ द वर्ब इन इट्स अ फॉर्म दैट इंडिकेट द टाइम, द कंटिन्यूस एंड द एक्सटेंड ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन स्टेट बाय द वर्ब। देखो, वर्ब टेंस की क्या डेफिनेशन कर सकते हैं अपन, कि जो वर्ब रहता है सेंटेंस में वो क्या दिखाता है, वहाँ पर टाइम दिखाता है, कंटिन्यूस दिखाता है, मतलब कंटिन्यू है कि नहीं ये दिखाता है, एक्शन पूरी हो गई है क्या, इनकम्प्लीट है ये दिखाता है, और ये जब वर्ब वहाँ पर दिखाता है तो उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया गया है, ये अपने को समझना है। सो नेक्स्ट, थ्री टेंसेस। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, प्रेजेंट टाइम यदि रहा तो वो प्रेजेंट टेंस होता है। ओके, पास्ट टाइम मतलब हो गई है एक्शन, तो वो पास्ट टाइम हो गया, मतलब पास्ट टेंस हो गया। और आने वाला है मीन्स इन फ्यूचर है, तो वो कौन सा टेंस रहेगा, फ्यूचर टेंस रहेगा। देर आर थ्री जनरल पार्ट ऑफ टाइम एज अंडर, तीन टाइप के टाइम यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट ऑफ टाइम इज गोइंग ऑन नाउ। पहला जो पार्ट होता है वो गोइंग, मतलब जो चल रहा है, उसको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट टाइम ऐसा कहा जाता है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइम दैट हैज गॉन बाय, सेकेंड टाइम रहता है कि जहां पर एक्शन क्या हो गई है, खत्म हो गई है, गॉन हो गई है, मतलब फिनिश हो गई है। एंड थर्ड पार्ट ऑफ द टाइम दैट इज येट टू कम, और जो थर्ड पार्ट रहता है वो एक्शन जो होने वाली रहती है, वो टाइम जो रहता है आने वाला, वो आने वाला रहता है, वो गया भी नहीं रहता है और चलता भी नहीं है, मतलब इन फ्यूचर आएगा, इसलिए उसको कहा जाता है फ्यूचर टाइम। एंड सो अकॉर्डिंग टू द टाइम देर आर थ्री टेंसेस, और ये टाइम को देख के कितने टेंस होते हैं, फिर तीन टेंस होते हैं, जैसा द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन क्या हो रही है, चल रही है। पास्ट मतलब क्या हो गया है, एक्शन इज गॉन, मतलब एक्शन क्या हो गई है, पूरी हो चुकी है। एंड फ्यूचर मतलब क्या है, कि एक्शन इज येट टू कम, मतलब एक्शन अभी आगे होने वाली है, इसको क्या कहा जाता है, फ्यूचर टेंस कहा जाता है। द थ्री सेंटेंस गिवन बिलो दैट एक्सप्लेन अबाउट थ्री टेंसेस। यहाँ पर देखो, आई गो टू द मॉल फॉर शॉपिंग, मैं मॉल में शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। I went to the mall for shopping. मैं शॉपिंग करके मॉल में से आया हूँ, मतलब हो गई एक्शन। I shall go to the mall for shopping, मतलब मैं मॉल में शॉपिंग के लिए जाऊँगा। आ गया ध्यान में, क्लियर कट? जब एक्शन होती है तो उसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, जब एक्शन हो चुकी है तो उसको पास्ट टेंस कहा जाता है, एक्शन होने वाली है इन फ्यूचर में, आने वाले हैं, तो क्या कहा जाता है, उसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। आ गया ध्यान में? तो देखो, फोर फॉर्म ऑफ सेंटेंस, चार प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर है। एंड एसर्टिव हैज टू फॉर्म्स, एंड देखो पॉजिटिव एंड निगेटिव। एसर्टिव के कितने टाइप है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज अ निगेटिव फॉर्म, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और एक रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस कैन हैव द फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ अ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। और एक रहता है फोर्थ वाला, कि जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहता है और निगेटिव सेंटेंस भी रहता है, उसको कहा जाता है निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। हेंस
एवरी सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर फॉर्म. तो सभी सेंटेंस के कितने फॉर्म होंगे? चार. अभी देखते हैं प्रेजेंट टेंस. पहला वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस. मीन्स उसको अभी चारों टाइप में से अपने को पढ़ना है. फर्स्ट है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मतलब उसको कहा जाता है पॉजिटिव. ओके, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. मिस्टर थॉमस इज अ फेमस डॉक्टर. थॉमस कौन है? फेमस डॉक्टर है. आई एम थैंकफुल टू यू फॉर यूर हेल्प. मैं तेरा क्या हूँ? शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तूने मुझे क्या की? हेल्प की. यू आर अ सिंसियर कजिन ऑफ माइन. तू मेरा बहुत ही सिंसियर कजिन है. दे आर अवर नेबर. ओ में हमारे क्या है? नेबर से. ऑल दीज थ्री फोर सेंटेंस गिवन आर इन अ प्रेजेंट टेंस. ये कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस के. फिर अभी कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? तो यहाँ पर दिया गया है. देखो, जहां पर जिस सेंटेंस में एम इज आर, ध्यान में रखना हमेशा, एम इज आर आया मतलब वहां पर प्रेजेंट टेंस होता है. एम इज अ यूज विथ आई ओनली. आई के लिए एम आता है. आई एम बराबर है. इज इज अ यूज ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट. ही शी इट. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से है? ही शी इट. उनके आगे क्या लगता है? ही इज शी इज इट इज. ओके. एंड आर इज अ यूज ऑल प्लूरल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग यू. और आर कहाँ पर लगता है? वी आर, यू आर, यू आर, दे आर. मतलब जहाँ पर एम इज आर होंगे सेंटेंस में वो कौन सा सेंटेंस आता है? फिर प्रेजेंट टेंस वो कहलाता है. अभी नेगेटिव फॉर्म मतलब ये पॉजिटिव हो गया. अभी नेगेटिव. द वर्ड नॉट इज अ कॉमनली यूज द चेंज अफर्मेटिव सेंटेंस टू द प्रेजेंट टेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट टेंस का, नेगेटिव सेंटेंस करते समय वहाँ पर नॉट रहता है. ये कॉमनली है. नॉट इंसर्टेड आफ्टर एम इज आर. और एम इज आर के बाद में वो नॉट लगाया जाता है. मिस्टर थॉमस इज फेमस डॉक्टर, ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस था. अभी इज के बाद नॉट लगा दिया. मिस्टर थॉमस इज नॉट अ फेमस डॉक्टर. आई एम नॉट थैंकफुल टू यू. यू आर नॉट अ सिंसियर कजिन ऑफ माइन. क्लियर एवरीवन? दे आर अवर नेबर्स, ऐसा सेंटेंस था. देखो फोर्थ नंबर का, दे आर नॉट अवर नेबर्स. क्लियर? मतलब पॉजिटिव. और दूसरा वाला हो गया निगेटिव. अभी इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मतलब क्या रहता है? प्रश्नार्थक सर्वनाम. ओके, प्रश्नार्थक. In order to change a positive sentence into interrogative form, it's is, am, are shifted to the beginning of sentence. अभी जहाँ पर भी am, is, are होगा, वो am यदि होगा तो वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा. Is होगा वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा. And place before the subject and the full stop and at the end of the sentence is a change into the question mark. जहाँ पर question full stop है sentence में वहाँ पर automatically क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. क्या बोला? देखो, एम इज आर होगा वो स्टार्ट में लगाना है, लगा दिया. फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिख लेना है, पूरा सेंटेंस लिख लेना है. और जहाँ पर अपन ने फुल स्टॉप दिया है उसके जगह पर क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है. क्लियर एवरीवन? जैसा थॉमस इज अ फेमस डॉक्टर, ऐसा सेंटेंस था. अभी इज स्टार्टिंग में लगा दिया. इज मिस्टर थॉमस अ फेमस डॉक्टर? क्वेश्चन मार्क. क्लियर एवरीवन? I am thankful to you, ऐसा सेंटेंस था. Am I thankful to you? आखिरी में क्वेश्चन मार्क. You are a sincere cousin, ऐसा सेंटेंस था. Are you a sincere cousin of mine? Clear everyone? आखिरी में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क आपको जरूर देना है. नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म. In order to change a positive sentence of a present tense into its a negative interrogative form, its a negative form is a change into interrogative form by shifting its is, am, are to the beginning of sentence. यहाँ पर भी वही करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है? जो एम इज आर होगा आपका वो लगा के स्टार्टिंग में ही लगा देना है. उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर रिमेनिंग जो बाकी है वो लिख देना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है. क्लियर एवरीवन? देखो, मिस्टर थॉमस इज अ फेमस डॉक्टर, ऐसा सेंटेंस था. इज मिस्टर थॉमस, ये सब्जेक्ट है. इज मिस्टर थॉमस नॉट अ फेमस डॉक्टर? एम आई नॉट थैंकफुल टू यू? आर यू नॉट अ सिंसियर कजिन ऑफ माइन? क्लियर एवरीवन? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहां पर एम इज आ रहा है वो लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है, जो रिमेनिंग वर्ड्स है मतलब जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो सेंटेंस भी लिख देना है, और आखिरी में फिर क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है.
देखा आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस में ये चारों भी टाइप्स अपन ने देख लिए। कौन से चार टाइप्स थे ये? फर्स्ट ऑफ ऑल था अफर्मेटिव फॉर्म, उसके बाद था निगेटिव फॉर्म, थर्ड था इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड फोर्थ वन इज अ निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। वैसे ही फॉर्म अभी अपने को पास्ट टेंस में भी देखना है। प्रेजेंट टेंस में क्या देखा? एक्शन इज गोइंग ऑन। एक्शन क्या होती है? चलती रहती है, वहाँ पर अपन उसको क्या कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस है। मैं रोज क्लास में जाती हूँ, प्रेजेंट टेंस है, बराबर। मैं रोज क्लास में जाती थी, पास्ट टेंस है। मैं रोज क्लास में जाऊंगी, मतलब फ्यूचर टेंस है। इतना तो समझता है ना आप लोगों को। चलो नेक्स्ट, अभी पास्ट टेंस क्या देखना है अपने को? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या है देखो, पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं? जैसा पहले मैंने बोला आपको कि प्रेजेंट टेंस में एम इज आर रहता है, वैसा पास्ट टेंस में रहता है बच्चों वाज एंड वेयर। क्या रहता है? वाज एंड वेयर। जब सिंगुलर रहता है तो वाज लगाना है, जब प्लूरल रहता है तो वेयर लगाना है। क्लियर एवरीवन? तो चलो देखते हैं पहला अफर्मेटिव फॉर्म। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। मिस्टर थॉमस वॉज अ फेमस डॉक्टर। यहाँ पर देखो वॉज आया, अभी वहां पर इज था, थॉमस एक ही है ना। यस, आई वॉज थैंकफुल टू यू फॉर हेल्प यू। यू वेयर, यू आया मतलब यू एक के लिए भी है और प्लूरल के लिए भी है। यू वेयर सिंसियर कजिन ऑफ माइंड। ऑल द थ्री सेंटेंस गिवन इन द आर पास्ट टेंस। ये कौन से सेंटेंस है? पास्ट टेंस, ध्यान में रखना। प्रेजेंट टेंस में कभी भी हमेशा एम इज का यूज किया जाता है, पास्ट टेंस में वॉज एंड वेयर का यूज किया जाता है। ये दिया है देखो यहाँ पर, वॉज कब लगाना है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो। वेयर कब लगाना है? जहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो। क्लियर एवरी वन? नाउ निगेटिव फॉर्म, अभी अपने को देखना है इसका निगेटिव फॉर्म। सिंपल है, क्या लगाओगे आप निगेटिव फॉर्म में? नॉट लगाना है। कैसा लगाते हैं देखते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज अ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट टेंस इनटू द निगेटिव फॉर्म वी इंसर्ट नॉट आफ्टर वाज एंड वेयर। क्लियर एवरीवन? जैसा प्रेजेंट टेंस में अपन ने इज के बाद में क्या लगाया था? नॉट लगाया था। वैसा अभी यहाँ पर भी जो वॉज लगने वाला है वो वॉज के बाद अपन क्या लगाएंगे? नॉट लगाना है। मिस्टर थॉमस वॉज नॉट अ फेमस डॉक्टर। आई वॉज नॉट थैंकफुल टू यू। यू वेयर नॉट अ सिंसियर कजिन ऑफ माइंड। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन मार्क लिखना पड़ता है। जो भी वॉज एंड वेयर यूज की उसको बिगिनिंग में डालो। देखो, इन ऑर्डर टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट टेंस इनटू इट्स इंट्रोगेटिव फॉर्म वी शिफ्ट इट्स वॉज एंड वेयर टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड रिप्लेस द एंडिंग फुल स्टॉप बाय द क्वेश्चन मार्क। देखो, जो सेंटेंस आपका है अभी उसको क्या करना है? उस सेंटेंस में देखना है वॉज एंड वेयर कहाँ पर है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में डाल दो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मतलब पूरा सेंटेंस जैसे का जैसा लिख देना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सो सिंपल। वॉज मिस्टर थॉमस अ फेमस डॉक्टर। वॉज आई थैंकफुल टू यू फॉर यूर हेल्प। वेयर यू अ सिंसियर कजिन ऑफ माइन। क्लियर एवरीवन? अभी निगेटिव में क्या करोगे आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज वेयर यूज करो, फिर सब्जेक्ट यूज करो, फिर उसके बाद नॉट लगाओ, फिर रिमेनिंग वर्ड्स लिख दो, जो भी सेंटेंस के रहे हैं बचे हैं वो सेंटेंस लिख दो, कंप्लीट कर दो और उसके बाद आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दो। इन ऑर्डर टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द पास्ट टेंस इनटू इट्स अ निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म इट्स अ निगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू द इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड द एंडिंग फुल स्टॉप इज रिप्लेस बाय द क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप में क्या करना है? जहां पर फुल स्टॉप है उसको क्या कर देना है? क्वेश्चन मार्क वहां पर कर देना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल देखो, वॉज ये लिख दिया, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है मिस्टर थॉमस, फिर उसके बाद लिखा नॉट, रिमेनिंग वर्ड्स जो भी बचे हैं वो लिख दिए, उसके बाद लिख दिया क्वेश्चन मार्क, डाल दिया क्वेश्चन मार्क। क्लियर एवरीवन? आ गया ध्यान में? वॉज आई नॉट थैंकफुल टू यू फॉर यूर हेल्प। वेयर यू नॉट अ सिंसियर कजिन ऑफ माइन। ये हो गया बच्चों, समझ में आ गया आपके? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या यूज करना है? वॉज वेयर। प्रेजेंट टेंस में ये क्या यूज करना है? एम इज आर। क्लियर? अभी रहा तुम्हारा फ्यूचर टेंस। अभी देखो, फ्यूचर टेंस है मतलब आने वाला है। ओके, तो फ्यूचर टेंस में क्या यूज करते हैं? तो फ्यूचर टेंस में भी अपने को ये चारों फॉर्म का स्टडी करना है, मतलब अफर्मेटिव, सेकेंड वन इज अ निगेटिव, थर्ड वन इज अ इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज अ निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो फर्स्ट इसमें देखो, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में शैल बी प्लस विल बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शैल बी प्लस विल बी। अभी शैल बी एंड विल बी का यूज करते हैं, तो कहाँ पर आपको शैल यूज करना है, कहाँ पर विल यूज करना है, तो देखते हैं। देखो,
स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. मिस्टर थॉमस विल बी अ फेमस डॉक्टर. यहाँ पर विल बी क्यों यूज किया है बच्चों? शैल बी कहाँ पर यूज करते हैं? बस आई और वी के सामने शैल बी यूज करना है. आई आई मतलब अपन होते हैं, अपने को अपने खुद की गारंटी रहती है कि नहीं रहती है? रहती है. फिर वहाँ पर शैल बी यूज करना है. वी वी मतलब अपन सब, अपन सब में अपन खुद भी रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भी शैल बी यूज करना है. बाकी हर जगह पर अभी मिस्टर थॉमस कौन है? एक आदमी है, मतलब ही है, बराबर है. तो ही है मतलब उसकी गारंटी लेना है क्या अपने को? नहीं लेना है, इसलिए वहां पर क्या लगा दिया? वहां पर विल बी. क्लियर एवरीवन? मिस्टर थॉमस विल बी अ फेमस डॉक्टर. आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प. यू विल बी अ सिंसियर कजिन ऑफ माइन. हियर देखो वहां पर ही लिख के दिया है आपको. शैल बी कब यूज करते हैं? आई और वी के बाद में शैल बी यूज करना है. एंड विल बी ऑल अदर सब्जेक्ट में विल बी यूज करना है. अगर ध्यान में. नाउ नेक्स्ट इज अ निगेटिव फॉर्म. अभी इसका निगेटिव फॉर्म आप लोग कैसे करोगे? नॉट डाल देना है. सो सिंपल. इन ऑर्डर टू चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस इनटू इट्स निगेटिव फॉर्म वी इंसर्ट नॉट आफ्टर विल एंड शैल ऑफ द सेंटेंस. जहां पर विल शैल आपको दिखाई देगा उसके बाद में नॉट लगा देना है और जैसा का जैसा एज इट इज सेंटेंस लिख देना है. क्लियर एवरीवन? जैसा कि देखो मिस्टर थॉमस विल नॉट बी ओके अ फेमस डॉक्टर. आई शैल नॉट बी थैंकफुल टू यू. यू विल नॉट बी अ सिंसियर कजिन. निगेटिव फॉर्म हो गया. नाउ इंट्रोगेटिव फॉर्म. इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं? जो भी विल दिया है या शैल दिया है उसको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस डालो, फिर उसके बाद जैसा का जैसा एज इट इज सेंटेंस लिख डालो, फिर लिखने के बाद वहां पर आखिरी में क्वेश्चन मार्क पुटअप कर दो. ओके. इन ऑर्डर टू चेंज अ पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस इन दू into its interrogative form we shift will or shall to the beginning of the sentence and full stop at the end by the sentence is replaced by a question mark. जहाँ पर आखिरी में क्या होगा? Full stop होगा. वहाँ पर आपको क्या करना है? Question mark वहाँ पर देना है. Clear everyone? Will Mr. Thomas be a famous doctor? Question mark. Shall I be thankful to you for your help? Question mark. Will you be sincere cousin of mine? Question mark. Clear? Now last part. निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म. इन ऑर्डर टू चेंज पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ द फ्यूचर टेंस इन टू इट्स निगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म. इट्स अ निगेटिव फॉर्म इज अ चेंज इन टू इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड द फुल स्टॉप एट द एंड इज अ रिप्लेस बाय अ क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर क्या करो बच्चों? विल और शैल जो होगा वो सेंटेंस में बिगिनिंग में कर दो. कर दिया. फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, लिख दिया. फिर उसके बाद नॉट लिखो, लिख दिया. रिमेनिंग सेंटेंस है वो है जो लिख दिया, फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क डाल दो. फिनिश. कितना इजी है. देखो विल मिस्टर थॉमस नॉट बी अ सब फेमस डॉक्टर. शैल आई नॉट बी अ थैंकफुल टू यू फॉर यूअर हेल्प. विल यू नॉट बी अ सिंसियर कजिन ऑफ माइन. ओके. यहाँ पर ये चारों भी फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के, ये यहाँ पर खत्म होते हैं. क्लियर एवरीवन? ध्यान में आ गया? कुछ भी डिफिकल्ट ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है. प्रेजेंट टेंस कैसा आइडेंटिफाई करना है? तो जहाँ पर एम इज आर होगा वो प्रेजेंट टेंस है, जहाँ पर वॉज वेयर होगा वो पास्ट टेंस है, जहाँ पर विल बी शैल बी होगा वो फ्यूचर टेंस होता है. और उसके फॉर्म्स जो चार अपन ने लिए हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखना है सिंपल सेंटेंस होता है वो, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है. उसमें प्रेजेंट टेंस है तो एम इज आर होगा, पास्ट टेंस है तो वॉज वे होगा, विल बी शैल बी है तो फ्यूचर टेंस होगा. फिर उसके बाद उसको निगेटिव करना है तो क्या करने को बोला है मैंने? जो एम इज आर, वॉज वेयर, विल बी शैल बी लगाया है उसको क्या करना है? उसके आगे नॉट लिख देना है, सेंटेंस लिखना है और क्वेश्चन मार्क भी पुटअप करना है. थर्ड टाइप देखा अपन ने इसमें ही, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में जो एम इज आर है सपोज, वो एम इज आर बिगिनिंग में लेके आओ, मतलब सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आओ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखो और पूरा सेंटेंस लिख दो, आखिरी में क्वेश्चन मार्क दे दो. क्लियर? निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है? जो एम इज आर सेंटेंस में आए उसको स्टार्टिंग में लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर उसके बाद नॉट लिखो, फिर उसके बाद जो बचा है सेंटेंस में वो लिख दो और आखिरी में एंडिंग में क्या दो? क्वेश्चन मार्क दो. क्लियर एवरीवन? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सभी को ये ध्यान में आ गया होगा. इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो. थैंक यू.